अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल स्वीडियो चेरी स्टोरीज। कैसे हैं आप सब? आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ लारेब और जरनाब की वीडियो। लारेब और जरनाब ने अपना एक व्लॉग बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि विनर वही हैं, और उन्होंने विनर की पार्टी की थी जिसमें थे जैज़ी, लारेब और जरनाब। इन तीनों ने पार्टी की थी। अगर वो व्लॉग अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं लारेब खालिद के चैनल पर। वैसे इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी कि बहुत ही सैड स्टोरी है। जरनाब फातिमा जो है वो वापस कराची जा रही हैं, क्योंकि वो इसीलिए थी यहाँ पर गेम शो की वजह से। अब गेम शो नहीं आ सकती गेम शो में, इस वजह से वो जा रही हैं और मुल्तान अपने घर। और उन्होंने कहा फैमिली भी बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ये भी कहा था कि लारेब खालिद जो हैं वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सब चीज़ें हैं लारेब खालिद एवरीथिंग है, बट वो जा रही हैं। और ईद भी वो जो है अपने घर पर ही गुजारेंगे। उन्होंने कहा कि फैमिली ज़्यादा करीब है और ज़्यादा अजीज़ है, उनके पास भी रहना ज़रूरी है। और शहर आया थी मम्मा जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि वो जल्दी ठीक हो जाए। और यहाँ पर लिखा हुआ पर फैमिली भी सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूरी है कि जाए वो। लारेब खालिद ने कहा कि वो जाएं, और फैन पे जिस कह रहे हैं कि नहीं जाएं और ईद यहीं पर गुजारें, पर जरनाब फातिमा का रहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो गेम शो में अभी आ नहीं सकती। और उन्होंने सीज़न जो है वो ज्वाइन किया है नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो विनर थी पर विनर कोई और टीम थी, आप लोग को पता ही है। और लारेब खालिद और जरनाब के कल लास्ट मीटअप था, और जरनाब फातिमा जो है वो ईद जो है अपने घर पर ही गुजारेंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पे आप लोगों को सारी अपडेट्स और सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। सुबह मैंने रबीका और हुसैन की वीडियो भी शेयर की, अगर वो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देखें। और कल कश्यप अंसारी गिर गई थी, उनकी क्लिप भी मैंने शेयर की थी, और भी बहुत सारी वीडियोस शेयर की। शादा शादी में गई थी, वो वीडियो शेयर की, अगर नहीं देखा तो जाके देखें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब फातिमा जा रही हैं, अल्लाह हाफिज़।